दोस्तों, बहुत छोटे आकार की लाल और जामुनी रंग की मकोई एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है। आप इसके साइज पर मत जाइए। ये दिखने में जितनी छोटी है, सेहत के लिए उतनी अधिक गुणकारी भी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किन किन रोगों से बचाती है मकोई। दोस्तों, रसबरी की ही एक प्रजाति है मकोई। इसे भमोलन, काकमाची, भटक कोया के नाम से भी जाना जाता है। यह रसबरी हमारे देश के लगभग हर राज्य में पाई जाती है। छोटे टमाटर की तरह दिखने वाली यह मकोई किडनी के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, साथ ही कई बीमारियों से हमें बचाती है। खास तौर पर छाया में उगने वाला पौधा होता है, जिस पर लाल और जामुनी रंग के टमाटर की तरह दिखने वाले फल लगते हैं। इसके बीज बैंगनी रंग के होते हैं, लेकिन बैंगन के बीजों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। मकोई का पौधा झाड़ी नुमा होता है। इसकी लंबाई अधिकांश 1 से 1.5 फीट होती है। मकोई के पत्ते आयताकार और अंडाकार होते हैं। इस पर बहुत छोटे सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, जो बाद में हरे रंग के फल में बदल जाते हैं। मकोई आमतौर पर 2 रंगों के होते हैं, लाल और जामुनी। लाल रंग के मकोई जामुनी रंग के मकोई की तुलना कुछ छोटे होते हैं। स्वादिष्ट की बात करें तो जामुनी मकोई में मीठापन अधिक होता है, जबकि लाल मकोई खट्टा मीठा होता है। मकोई को त्रिदोषनाशक माना जाता है, अर्थात वातपित्त और कफ नाश करने वाली। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वातपित्त और कफ 3 गुण होते हैं। जब इन तीनों में से किसी भी गुण की कमी या अधिकता हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। मकोई का सेवन हमारे शरीर में इन तीनों ही गुणों के संतुलन को बनाए रखने में काम करता है। इसी कारण इसे त्रिदोष नाशक कहते हैं। यदि नियमित रूप से सीमित मात्रा में मकोई का सेवन किया जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। पीलिया यानी डायजेंसिस का रोग होने पर यदि नियमित रूप से दवाओं के साथ ही मकोई का भी सेवन किया जाए तो बीमारी को जल्द ठीक करने में सहायता मिलती है। मकोई के पत्तों का काढ़ा पीने से भी पीलिया में लाभ मिलता है। मकोई का किसी भी रूप में सेवन करने से पहले जरूरी है कि आप अपने नज़दीकी वैद्य से इस बारे में बात करें, ताकि वह आपकी सेहत को देखते हुए इसकी सही मात्रा और खाने का सही तरीका आपको बता सके। मकोई को पुरुष शक्ति बढ़ाने वाला भी माना जाता है। देसी नुस्खों में इस फल का बहुत उपयोग होता है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से रोगियों का इलाज करने वाली विद्वान भी मकोई के सेवन का सुझाव देते हैं। मकोई वीर की उष्णता बढ़ाता है और इसकी मात्रा में वृद्धि करने में भी सहायक माना जाता है। मकोई के सेवन से हमारी किडनी हेल्दी रहती है। अगर किसी को बार बार पेशाब आने की समस्या हो, किडनी एरिया में सूजन की समस्या हो, तो मकोई का रस या मकोई से बहुत अधिक लाभ होता है। यह फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए पेट को साफ रखने में मददगार होता है। जिन व्यक्तियों को कुष्ठ रोग की समस्या हो, उनके लिए मकोई का सेवन करना लाभकारी हो सकता है। खास बात यह कि शायद ही कहीं आपको मकोई बाजार में बिकते हुए दिखें। यह इतना नाजुक फल होता है कि इसे पेड़ से तोड़कर तुरंत ही खाया जाए तो अधिक लाभकारी रहता है, क्योंकि इसका ऊपरी छिलका बहुत ही महीन होता है। गाँव में सड़कों के किनारे, खेतों में, मेड़ के आसपास और किसी बड़े छायादार वृक्ष के नीचे मकोई का पौधा अक्सर देखने को मिल जाता है। कुष्ठ रोग के इलाज में मकोई के फल और पत्तियां दोनों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊं कुछ ऐसा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।